इस मुल्क में जब अंग की खरीद हो रहे हैं और चोरी हो रही है और गरीब और कमजोरों को ये वास्ती अंग निकाल दिया जाता है, सरकार की बिटिया के द्वारा ही अपने किडनी का दान एक अद्भुत पूरे देश और प्रदेश के लिए दिख रहा है। कौन सा चमत्कार है जो तुम लोगों ने हमेशा गिराने का प्रयास किया लेकिन जिसका व्यक्तित्व आज भी गिरा नहीं। और यह राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष के जीवन की जो सुकर्म है उसकी सफलता के परिणाम है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हम राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ हैं और उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले जगदानंद सिंह, आज लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में इलाज हुआ और इलाज सफलतापूर्वक हुआ, लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि आप लालू प्रसाद यादव के साथ बहुत लंबे टाइम से रहे हैं, एक दोस्त की भूमिका निभाते रहे हैं, काफी राजनीतिक लड़ाई लड़े हैं और एक भाई का भी भूमिका निभाए हैं। ऐसे में जब आज उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो आप कितना राहत भरी सांस ले रहे हैं? देखिए, करोड़ों शुभचिंतकों की दुआ आज लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के बारे में सबकी अपनी शुभकामना और परिवार की बिटिया के द्वारा ही अपने किडनी का दान एक अद्भुत पूरे देश और प्रदेश के लिए दिख रहा है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि डॉक्टरों की खूबियां हैं कि हर इंसान को अच्छा करते हैं, लेकिन दुआ भी काम करती है। लेकिन आज हम कम से कम अपने व्यक्ति के रूप में सोच रहा हूँ कि तो ऐसे तो हजारों लाखों लोगों के अस्पतालों में दवा दारू होती है, बिल्कुल, लेकिन इतनी बड़ी जमात की चिंता मैंने कभी देखा। और यह राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष के जीवन की जो सुकर्म है उसकी सफलता के परिणाम है। और आज सभी लोग सोचने पर विवश हैं कि कौन सा ये व्यक्ति है जो आज पूरी देश और प्रदेश के आम जन, जो कभी सिंगापुर का नाम ही नहीं सुना, इस रोग का कभी वह देखा ही नहीं, लेकिन अपने अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के नहीं, एक समाज और राजनीतिक नेता के बारे में इतनी चिंता व्यक्त कर रहा है। और यही आज विरोधियों को थोड़ा सोचना पड़ेगा और कौन सा चमत्कार है जो तुम लोगों ने हमेशा गिराने का प्रयास किया लेकिन जिसका व्यक्तित्व आज भी गिरा नहीं, करोड़ों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। और एक दूसरा उदाहरण मैं सबके कहना चाहता हूँ इस घटना का। इस मुल्क में जब अंग की खरीद हो रहे हैं और चोरी हो रही है और गरीब और कमजोरों को ये वास्ती अंग निकाल दिया जाता है, तब एक परिवार की बिटिया ने अपना अंग दान करके इस देश को बहुत बड़ा संदेश दिया है, बिल्कुल, कि करोड़पतियों अरबपतियों गरीबों का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। प्रकृति ने जो अंग दिया है वह तो आपके भी परिवार ने दिया है, बिल्कुल, दान करो जीवन दान। इसलिए जिसने जीवन दिया है उसके जीवन को बचाने का प्रयास, ये पारिवारिक मामला, बिल्कुल, और आम लोगों की दुआ से चिंता, यह एक राजद की सबसे बड़ी धरोहर है कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष ने जो जीवन आम लोगों को जिया है आज उसको सारे लोगों की दुआ आपके साथ है, पुनः आइए प्रदेश और देश को दिशा दीजिए, यही सब हम सबकी कामना है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल जगदा बाबू यही रहेगा कि क्योंकि आप सिंगापुर जाने से पहले दिल्ली गए थे, लालू यादव से आपकी मुलाकात हुई थी और मुख्य तौर पे लालू यादव आप पे बहुत भरोसा करते हैं, तो क्या कुछ जिम्मेवारी उन्होंने आपको सौंपा था उस टाइम, ये हम जानना चाहेंगे। ये हमारा उनके और अपने बीच का मामला है, इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट मुझे लगता है बहुत नहीं होना चाहिए और आप लोगों का भी विषय नहीं है। संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में वार्ता होती ही रहती है, लेकिन वह हम लोग के बीच का मामला है और शायद मैं चाह के भी आपके सामने व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जगदानंद जी, अभी बिहार में जितने भी राजद के कार्यकर्ता हैं, तमाम मंत्री नेता,
वो दिन रात लालू यादव के ऑपरेशन होने से पहले से ही लगातार एक सप्ताह पहले से ही पूजा पाठ पूजा अर्चना कर रहे थे, काफी जगह यज्ञ हो रहे थे। ऐसे में आप उन कार्यकर्ता उन मंत्री नेता को क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ जिन्होंने पूजा पाठ किया, केवल उनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ज्ञान पर भरोसा करो, और जिस अंधविश्वास के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आप जीवन को समर्पित करके लोगों को संदेश दिया, उस रास्ते से कृपा करके मत हटो। विज्ञान को विज्ञान ही रहने दो, और एक व्यक्ति भले को धरोहर हो राष्ट्र की, लेकिन एक डॉक्टर के कौशल का परिणाम होता है, हाँ दुआ भी काम करती है, लेकिन पूजा पाठ से और ग्रह से और इन सारी चीज़ों से अपने मन को संतुष्टि भले मिलती हो, ये किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है इसका। एक आखिरी सवाल जगन जी, क्योंकि लालू यादव गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, उनकी आवाज़ उठाने में सबसे अहम भूमिका लालू यादव की होती है, और ऐसे में जब रोहिणी आचार्य उनकी बेटी आज जब अपने पिता को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किडनी डोनेट करती है, ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ा एक मिसाल के रूप में है, ऐसे में आप इस चीज़ को लेकर कैसे देखते हैं? मैंने कहा आप शायद उस चीज़ को ग्रहण नहीं किया, यह मैसेज टू ऑल है, क्यों कमजोर गरीबों के अंग को लूटते हो, क्यों मजबूरी में अंग को बेचने के लिए बाध्य करते हो, सबके परिवार हैं। एक संदेश है, एक बिटिया रोहिणी ने जो संदेश दिया है इस भारत के लोगों को, लालू प्रसाद जी के प्रति कर्तव्य तो उनके सभी परिवार का है, लेकिन उसका प्रथम यदि किसी को दान देने का अधिकार बनता है तो वहाँ पर जो मौजूद बेटे बेटियाँ है उसका और परिवार ने उसको मौका दिया, वरना केवल परिवार ही नहीं करोड़ों लोग अपना किडनी दान देने वाले थे। लेकिन बेटियाँ रोहिणी आचार्य ने जो करके संदेश दिया है वो ग्रहण करना चाहिए कि देश के करोड़पतियों अरबपतियों कमजोर और गरीबों के अंग की चोरी मत किया करो, अपने परिवार की सीमा के भीतर ही अंगदान के द्वारा अपने आगे की जिंदगी जीने का प्रयास करो। तो ये थे हमारे साथ जगनानंद सिंह जी, जो अपने बात को बेबाकी से सामने रखा। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं अविनाश पटना।